आरएसएस की तरफ से स्कूलों, सार्वजनिक जगह या व्यायाम शालाओं पर शाखाएं लगाई गई तो कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। कांग्रेस के नेता कुलदीप शर्मा से बात की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने आरएसएस पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा, इनसे जानते हैं कि वो क्यों सवाल उठा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कत्ल हुआ, उसके पीछे आरएसएस की विचारधारा थी। देश में कितने दंगे हुए, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का जितना षड्यंत्र है वो आरएसएस करती है, और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मां है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री जो कुछ सीख कर आते हैं आरएसएस की नर्सरी से सीख के आते हैं, वहां से पढ़कर आते हैं, और इसीलिए देश इस तरफ गर्त के गड्ढे में जा रहा है। हम नहीं चाहते कि देश और बटे, इसलिए हमने ये मांग की है। वैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि नमाज कहाँ पढ़नी चाहिए, शीघ्र ही उन्होंने अपने बयान के लिए को वापस ले लिया। माफी तो नहीं मांगी, मांगनी तो माफी चाहिए थी, लेकिन इससे एक प्रश्न को जन्म दिया जा रहा है। श्री धनखड़ ने कहा, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, आरएसएस के बेटे ने, कि आरएसएस की शाखाएं हैं जो ये खोल रहे हैं खेल परिसर या व्यायामशाले, वहां पर आरएसएस की शाखाएं लगेंगी। हम आरएसएस की शाखाएं वहां नहीं लगने देंगे। आरएसएस एक विघटनकारी, धर्मांध, देश को तोड़ने वाली और भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी मां है। इसको किसी भी पब्लिक प्लेस पर, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे पब्लिक पार्क हो, व्यायामशालाएं हो, कहीं पर भी ऐसी संस्था को ये अपनी शाखाएं लगाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अगर ये इजाजत दी गई तो हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। शर्मा जी, अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ब्राह्मणों को लेकर जो सवाल पूछा गया था, हालांकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने माफी मांग ली है, फिर भी ब्राह्मणों में इतना अभी तक विरोध क्यों है? देखिए, सवाल केवल मात्र ब्राह्मण का नहीं है, किसी भी जाति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी किसी भी समाज में शोभा नहीं देता। माफी मांग ली गई, उसके बावजूद भी ब्राह्मण समाज आक्रोशित है क्योंकि माफी से संतुष्ट नहीं है। हमें, हमारे ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणी की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ब्राह्मणों की कन्याओं के ऊपर, ब्राह्मणों की तो पूजा की जाती थी समाज में, मैं ये तो नहीं कहता कि पूजा करो, लेकिन कम से कम अपमान तो मत करो। ब्राह्मण की कन्या का वो निशाना बनाकर अगर सवाल पूछा जाता है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिद्धांत कहाँ गया? कहाँ गया है नारा? खोखले नारे हैं। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, जिसका नाम अब बदल गया है, अभी हरियाणा सर्विसेज सेल्स काउंटर बन गया है, इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से सारे समाज से, या उन सब समाजों का जिनका ये अपमान करते आए हैं, उनसे माफी मांगनी चाहिए। इससे कम किसी बात पर हम एग्री नहीं होंगे। हाँ, अगर एक हफ्ते बाद इन्होंने इनके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया, कार्रवाई नहीं की, तो हम जरूर कंप्लेंट पंचकुला में HSSC के खिलाफ करेंगे। शर्मा जी, मुख्यमंत्री विदेश गए हैं तो कितने निवेश की उम्मीद है? देखिए, निवेश, ये सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती रही है, निवेश हुआ नहीं। हमने कई बार कहा है कि सफेद श्वेत पत्र जारी करें, कितना निवेश आया है सरकार आने के बाद, अरबों रुपया खर्च दिया गया इवेंट मैनेजमेंट्स पर, आया कुछ नहीं। आज मुख्यमंत्री जी की हरियाणा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने एक फोटो जारी की जिसमें इजरायली बैंगनों के साथ उनको हाथ में पकड़े हुए मुख्यमंत्री जी की फोटो जारी की है इसी सरकार ने। हरियाणा की जनता में बड़ा खुशी का माहौल है कि और कुछ आएगा या नहीं आएगा, इसराइल से मुख्यमंत्री जी बैंगन तो लेके आएंगे कम से कम। ये थे मेरे साथ
कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा, इनका कहना है कि आरएसएस जो व्यायामशालाओं में शाखाएं लगाने जा रही हैं या वो आरएसएस सार्वजनिक स्थान पर शाखाएं लगाएंगी, कांग्रेस शिक्षा विरोध करेगी। विरोध ही नहीं बल्कि ये मामला अदालत में लेकर जाएगी। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।